हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त, हाजिर हो गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हम आज बनाने वाले हैं कॉर्न चाट। इसके लिए मैंने ले लिया है कॉर्न, जिसको मैंने नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा कैप्सिकम, और इधर ले लिया है टमाटर, प्याज, गाजर और थोड़ा सा हरी मिर्च, और इधर मैंने ब्लैक पेपर को थोड़ा सा क्रश कर लिया। फ्रेशली क्रश किया हुआ का टेस्ट ही अलग आता है, इसीलिए मैंने फ्रेशली यूज़ किया। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें मैंने बटर डाला, बटर को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देते हैं। ज़्यादा बटर नहीं लगता इसमें, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है, इसमें क्रंचीनेस हमें ज़रूरत है, इसमें क्रंच बना रहे, यही हमको नोटिस में रखना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा अपने कढ़ाई में कोटिंग कर लें बटर का, ये गलता भी रहेगा, और इसको थोड़ा सा चला लें। इतने में अब ये जो क्रश किया हुआ हमने ब्लैक पेपर पाउडर बनाया है, उसे हम डाल देते हैं। इससे बटर के साथ इसका फ्लेवर ऐड हो जाएगा। जरा सा चलाने के बाद ही इसमें जो प्याज, गाजर, टमाटर और हरी मिर्च का हमने एकदम बारीक काट के रखा था, उसे थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। ज़्यादा इसे बॉईल करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें जस्ट थोड़ा सा स्टर फ्राई करें। ये हो जाने के बाद हम इसमें वो जो कॉर्न बॉईल किया हुआ, पनीर और जो कैप्सिकम है, ये सबको भी ऐड कर देंगे। हाँ, आप नोटिस में रखिएगा कि हमने नमक नहीं ऐड किया है। नमक हमने इसलिए अभी ऐड नहीं किया क्योंकि अगर हम नमक डाल देंगे तो सारी सब्ज़ी अपने से पानी छोड़ देंगे और हमारा जो ये चाट है वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। इसीलिए गैस बंद करने के बाद आप जब सर्व करने के लिए के जस्ट पहले आप इसमें नमक डाल के इसको अपने बाउल में या जिसमें भी आप सर्व करेंगे डालें, और फिर नमक उससे थोड़ा सा नींबू डाल के सर्व करें। बाय बाय।